उधर पंजाब में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30%, पेंशन में 17% का इजाफा कर दिया गया। यूं पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात मान लिए। तनख्वाहों में इजाफा मुलाजमीन की मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर होगा। सरकारी अफसरों को 2 अरब 30 करोड़ की गाड़ियाँ भी मिलेंगी। 1500 पुरानी गाड़ियों की मरम्मत भी करवाई जाएगी। पंजाब काबीना ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक हेलीकॉप्टर और एक एयर एम्बुलेंस की भी मंजूरी दी है। पंजाब की काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी है। ग्रेड 1 से 16 तक के पंजाब के सरकारी मुलाजमीन थे, उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफे का फैसला किया गया। जो ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन थे, उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफे का फैसला किया गया। पेंशन में 17.5% का इजाफा जो है उसका फैसला किया गया। बुनियादी तौर पर ये फैसले जो हैं, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनका इसरार था